डिसेंट्रलाइजेशन हम देख लेते हैं। तो देखिए, डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब मैंने आपको स्टार्ट में भी समझाया था कि जो शक्ति होती है, जो पावर होता है, उसको विकेंद्रित करना, यानी अलग अलग लेवल्स पे शक्ति बांट देना या अलग अलग इंडिपेंडेंट लेवल्स बना देना जो अलग अलग फंक्शंस या रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाएं। ठीक है, तो तीन लेवल पर हमारे भारत में गवर्नमेंट जो है वो बटी हुई है। सबसे पहले सेंटर है, फिर स्टेट है, और स्टेट से सबसे छोटी जो गवर्नमेंट बोली जाती है वो हमारी होती है PRIs, या जिसको हम पंचायती राज सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए, वन ऑफ द मेजर रीजन था जिसकी वजह से लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इनिशिएट किया गया 73rd 74th अमेंडमेंट एक्ट से पहले की बात मैं कर रही हूँ, फेल होने का, कि जो शक्तियों को स्टेट से छोटे लेवल पे यानी डिस्ट्रिक्ट ब्लॉक एंड विलेज लेवल पे बांटना था, वो नहीं हो पाया था या देना था। ठीक है, और जो कि 73rd 74th अमेंडमेंट एक्ट के बाद थोड़ा बेहतर ज़रूर हुआ है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में इसको बना दिया गया है, तो कॉन्स्टिट्यूशन के तहत काम करना ही पड़ता है इंसान को। तो इसमें भी ये है कि आप अपनी शक्तियों को, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को गाँव के लेवल पर देते हैं पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में, और शहरों में कहाँ पर देते हैं, नगर पालिका में। ठीक है, तो ये जो अमेंडमेंट आया 73rd अमेंडमेंट गांव के लिए है और 74th शहर के लिए है, जैसे कि मैं आपको बता दूं। और जो अमेंडमेंट है उसमें पंचायत को हमने कितने लेवल पे बांटा है, विलेज ब्लॉक एंड डिस्ट्रिक्ट। विलेज सबसे छोटा लेवल, ठीक है, एक विलेज एक गांव होगा, ब्लॉक कुछ गांवों को मिला के एक ब्लॉक होगा, और कुछ ब्लॉकों को मिला के एक डिस्ट्रिक्ट होगा। एंड जो सब्जेक्ट्स दिए गए हैं वो 29 सब्जेक्ट ऐसे दिए गए हैं जिसपे इस लोक पंचायत को काम करना पड़ेगा, या ये जो गांव वाली पंचायत है या पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है उसे काम करना पड़ेगा, जो कि 11th शेड्यूल में दिया गया है। तो अगर आपको पता हो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में शेड्यूल्स हैं, तो जो शेड्यूल्स में बेसिकली हम एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देते हैं। ठीक है, तो 11वीं शेड्यूल में ये दिया गया है कि जो ये लोकल गवर्नमेंट होगी, जो गांव के लेवल पे होगी, उसको 29 काम दिए गए हैं, और जो शहर के लेवल पे होगी, जो 12वां शेड्यूल है, उसमें 18 काम दिए गए हैं नगर पालिकाओं को। ठीक है, उसके बाद अब बहुत सारा डिबेट है इस पे कि किस टाइप से हम इसका जो ये सेल्फ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है, इसको सेल्फ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन भी कहा जाता है। सेल्फ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन कैसे, कि इसमें जो जनता है वो खुद पार्टिसिपेट करती है अपने सिचुएशन को, अपने लाइफस्टाइल को या अपने गांव को इम्प्रूव करने में। इसको हम किस तरीके से बेहतर बना सकते हैं, ठीक है, तो श्रीवास्तव हैं जो बताते हैं कि तो देखिए, ये बताते हैं कि जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है, जिसका फोकल पॉइंट क्या है, डेवलपमेंट लाना। ठीक है, लेकिन क्यों नहीं हो पाया है ये चीज़ बहुत सारी जगहों पे, इसका मेन रीज़न ये है कि लीडर्स जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा करप्ट हैं, यानी बहुत ज़्यादा करप्शन मतलब रहता है लोकल लेवल पे, और हर लेवल पे करप्शन है, और ज़्यादातर उसमें क्या है, मेल एलीट है। अब देखिए, दो शब्द यहाँ पे यूज़ किया गया है जो आपको बहुत बड़ा इंसाइट देगा हमारे भारतीय सिस्टम का, मेल एलीट, एक तो पुरुष है और एलीट। एलीट यहाँ पे वो जो पैसा वाला अपर कास्ट है, यानी अपर कास्ट के लोग, और मेल, क्योंकि देखिए अपर कास्ट में वेमेन को ज़्यादा राइट नहीं मिलता है। पॉल ब्रास जो है वो अपना व्यू देते हैं कि जो PRIs है पंचायती राज सिस्टम, वो फेल इस वजह से हुए कि जो स्टेट पॉलिटिशियंस थे वो अपना पावर जो था वो डिस्ट्रिक्ट लेवल और छोटे लेवल ब्लॉक या विलेज लेवल पे नहीं देना चाहते थे, बिकॉज उनको क्या लगता था कि अगर वो अपना पावर को दे देंगे तो, या अपने पावर मतलब ऐसा उनको लगा कि उनका पावर कम हो जाएगा। ठीक है, अशोक मेहता कमेटी भी आती है पंचायती राज सिस्टम पे, वो बताते हैं कि
मतलब देखिए ये सब चीज़ें ना 73 और 74th अमेंडमेंट एक्ट आने के पहले की ओपिनियन दे रहे हैं, उसके बाद काफ़ी चीज़ें बदलाव हुई हैं, बट फिर भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसकी बदलाव के लिए की आवश्यकता है हमको। तो ये बताते हैं कि ये इंस्टीट्यूशन जो PRI का इंस्टीट्यूशन है या ये डेवलपमेंट प्रोग्राम था वो फेल इस वजह से हुआ कि जो ऑफिशियल स्टेट ब्यूरोक्रेसी थी, ठीक है, हमने क्या किया कि हम चाह रहे थे कि जो गांव का डेवलपमेंट हो उसको अधिकारी लोग करें, ठीक है, नौकर शाह लोग करें, जो कि गांव से खुद को उतना जोड़ नहीं पाए और गांव को समझ नहीं पाए। देखिए अगर हम ले लेते हैं एक जनरल एग्जांपल कि आप IAS क्रैक करके एक IAS ऑफिसर बनते हो, टेक्निकली वो पॉसिबल नहीं है बट हम एक एग्जाम्पल के लिए लेते हैं, और आप मान लीजिए कि दिल्ली के रहने वाले हैं और आपको एक दूर दराज के तमिलनाडु के गाँव में भेज दिया गया, आपको किसी ब्लॉक लेवल सॉरी किसी डिस्ट्रिक्ट में, तो क्या आप उस तरीके से उस समस्या को समझ सकते हो जो वहाँ के लोकल लोग समझ सकते हैं? तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल जब तक लोकल लोगों का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा कोई भी डेवलपमेंट प्रोग्राम उतना सक्सेसफुल नहीं होगा। उसके बाद जो फाइनेंस की समस्या थी वो बहुत ज़्यादा रही, और ज़्यादातर इन सारे जगहों पर जो प्रिविलेज सेक्शन थी सोसाइटी की यानी जो अमीर वर्ग था वही इसको मतलब चलाता था या अमीर वर्ग का वर्चस्व रहा था लोकल गवर्नमेंट पर, ठीक है। और नूरजहां बाबा हैं वो बात करते हैं कि सेंट्रलाइज प्लानिंग, ठीक है, सबसे पहले तो वो सेंट्रलाइज प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, वो नेसेसरी है गाइड एंड कंट्रोल करने के लिए इकोनॉमी एंड इंटीग्रेट करने के लिए यूनिफाइड नेशन इमर्जिंग फ्रॉम अ लॉन्ग पीरियड ऑफ कॉन। देखिए इनके हिसाब से ये जरूरी था कि सेंट्रलाइज प्लानिंग हो या नौकरशाह इन्वॉल्व हो इस देश को सुधार करने के लिए, ठीक है। लेकिन क्या सेंट्रलाइज प्लानिंग गाँव के लिए कारगर हो सकती है, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है, और इसका आंसर हमेशा नो होता है, क्योंकि आप दिल्ली में बैठ के आप डिसाइड नहीं कर सकते कि केरला के एक छोटे से गांव के लोगों की नीड क्या है, ठीक है। अब देखिए जो PRI सिस्टम था, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन जो था, वो हर स्टेट में जो था वो एक जैसा नहीं था। अब रीज़न क्या था कि अभी तक हमारा 73rd 74th अमेंडमेंट एक्ट आता है कब, 1993 में, और उससे पहले इस टाइप के जो सिस्टम थे जैसे कि मैंने बात किया स्टार्ट में ही, हर जगह थोड़े थोड़े हर स्टेट ने अपने सिस्टम लगाए थे लेकिन वो काम नहीं कर रहे थे बिकॉज हर जगह वो अलग अलग तरीके के थे, ठीक है। तो जवाहरलाल नेहरू ने इनोग्रेट किया था नागपुर में राजस्थान में अक्टूबर 1959 को, एक PRI सिस्टम वहाँ पे आया था, और ये भी जो PRI सिस्टम था वो तीन टीयर में ही बटा हुआ था कि विलेज पंचायत होगा, समिति होगी, जिला होगी, ठीक है। लेकिन उसके बाद महाराष्ट्र और गुजरात में भी फिर आता है कि जिला परिषद को यहाँ पे हमने एक पॉइंट रखा और वहाँ से प्लानिंग करेंगे। कर्नाटका में भी आता है, ठीक है, 1985 में, और डेवलपमेंट के डिपार्टमेंट होते हैं, सारे जो पावर होते हैं उनको पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट एजेंसीज भी यहाँ से आती हैं, ठीक है। आंध्र प्रदेश में भी जिला परिषद आता है, उसको कुछ फंक्शन दिए जाते हैं। तमिलनाडु में काफ़ी अच्छा जॉब, मतलब आंध्र प्रदेश में भी और तमिलनाडु में भी काफ़ी अच्छा काम करके दिखाते हैं जो वहाँ पे पंचायती राज सिस्टम आते हैं 73rd 74th अमेंडमेंट एक्ट से पहले, यानी 1993 से पहले की ही बात मैं कर रही हूँ अभी, जब वो एक्ट शुरू होगा तो उसके बाद आप समझ लीजिएगा कि उसके बाद की बात हो रही है। तो ये इससे पहले आते हैं और काफी ज्यादा मतलब अच्छा काम करके दिखाते हैं, जैसे कि तमिलनाडु के मतलब तमिलनाडु में जो आता है वो एजुकेशन, वाटर सप्लाई, रोड, इन सब के लिए बहुत अच्छा काम करता है। यहाँ आंध्र प्रदेश में एजुकेशन के फील्ड में अच्छा काम करता है। तो हाँ, हमें अच्छा बुरा दोनों मिक्स रिजल्ट देखने को मिलता है। उसके बाद क्या होता है, अब अमेंडमेंट आने की बारी आती है। तो क्या होता है कि जब राजीव गांधी का मतलब राजीव गांधी की सरकार होती है और इनको पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता है, ठीक है। उसके बाद राजीव गांधी जो होता है इंट्रोड्यूस करते हैं 64 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, ठीक है। अब इसके साथ क्या होता है, इसमें भी पंचायती राज सिस्टम ही आता है, लेकिन ये जो अमेंडमेंट है वो पास नहीं होता है, और कहाँ पास नहीं होता है,
तो देखिए, राजीव गांधी 64 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट भी लेके आते हैं, सॉरी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल लेके आते हैं 1989 में, पर ये पास नहीं हो पाता। मतलब इसमें भी उसी की PRI की डिमांड की गई होती है कि पंचायती राज सिस्टम आए, ठीक है। क्यों पास नहीं होता? कि जो पंचायत होता है वो सब स्टेट सब्जेक्ट होता है, ठीक है। ये स्टेट के ऊपर होता है कि वो पंचायत को कैसे बनाएंगे, देख रेख करेंगे, क्या करेंगे, ठीक है। जैसे कि आपको पता होगा कि हमारे पास तीन लिस्ट है, ठीक है। पहली लिस्ट है जो सेंट्रल, हम लोग की सेंट्रल जिसपे कानून बना सकती है, जो सेंट्रल के अंदर है, वो सेंट्रल लिस्ट हो गई, स्टेट लिस्ट हो गई, और एक कंकरेंट लिस्ट है। तो स्टेट लिस्ट पे, जो स्टेट लिस्ट में चीजें हैं उस पर केवल स्टेट ही कानून बना सकती है, वो स्टेट के हाथ में है। जो सेंटर के लिस्ट में चीजें हैं उस पर सिर्फ सेंटर कानून बना सकती है, वो सेंटर के हाथ में। और कंकरेंट पे दोनों को मिलकर कानून बनाना होता है। तो इस कॉन्स्टिट्यूशन जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल आया था 64th वाला, उसमें कहा गया कि हम जो ये लोकल गवर्नमेंट है या पंचायती राज सिस्टम है, इसको सब स्टेट लिस्ट से निकाल के, क्योंकि स्टेट के अंदर आता था पंचायती राज सिस्टम, इसको हम कंकरेंट में डाल देंगे कि दोनों का, यानी सेंट्रल और स्टेट दोनों का इसमें इन्वॉल्वमेंट हो पाए, ठीक है। इस वजह से इस बिल को पास नहीं हो पाया, बिकॉज स्टेट को लगा कि उनका कंट्रोल ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 74th अमेंडमेंट एक्ट आया, थोड़ा सा इसमें बदलाव करके लाया गया, जो कि अशोक मेहता के रिपोर्ट में इसकी बात की गई थी। और अब इसमें क्या क्या चीज़ें दी गई, तो यहाँ पे सबसे पहले तो हमने एक 9th पार्ट ऐड किया, ठीक है, एंड एक 9th ए पार्ट भी ऐड किया, ठीक है। 9th वाले में आर्टिकल 243 तक था, ठीक है। उसके बाद जो 9th ए था उसमें 243 P से 243 ZG तक था, ठीक है। इसमें म्यूनिसपालिटीज से संबंधित चीज़ें थी। उसके बाद एक और चीज़ दिया गया कि 33% रिजर्वेशन दिया गया औरतों को पंचायत में भी और नगर पालिका में, मतलब गांव के सिस्टम में भी, शहर के सिस्टम में। देखिए दोनों में ऑलमोस्ट सिस्टम जो है ना, गांव वाला भी, पंचायती राज भी, और म्यूनिसपालिटी भी, ठीक है, नगर पालिका नगर पंचायत जो भी है, तो उसमें दोनों का सिस्टम ऑलमोस्ट सेम ही है, ठीक है, तीनों तीन लेवल के हैं। उसके बाद उसमें के बाद जो चेयरपर्सन का जो पोजीशन आएगा उसमें भी रिजर्वेशन देने की बात की गई। उसके बाद ST और SC को उनके प्रोपोर्शन, मतलब जो जितने भी वो पॉपुलेशन में उनका प्रोपोर्शन है उसके हिसाब से। कहने का तात्पर्य क्या है, मान लीजिए कि आपके एरिया में 15% SC और ST हैं, मतलब 10% मान ली, 15% मान लीजिए SC हैं, ठीक है। तो जो 15% सीट हैं चुनाव में, वो SC के लिए क्या करते हैं कि रिजर्व कर दी जाएंगी। तो उस 15% सीट पे केवल SC या ST के कैंडिडेट ही खड़े हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद इलेक्शन कमीशन बनाया गया, ठीक है, और इलेक्शन कमिश्नर जो था उसको रिमूव नहीं किया जा सकता था, ठीक है। इसको रिमूव करने का तरीका एकदम हाई कोर्ट के जज की तरह था। अब इस डिटेल में हम नहीं जाएंगे, बिकॉज ये आपको एग्ज़ाम में लिखने कोई खास ज़रूरत नहीं है। रेगुलर इलेक्शन करवाने की कोशिश की गई कि रेगुलर 5 साल में यहाँ पे इलेक्शन हो। और मान लीजिए कि किसी कोई मतलब पार्टी है, पार्टी नहीं, मान लीजिए कि कोई बैठा है, मतलब कोई मुखिया आया इलेक्शन करा के और उसने कुछ किया, तो उसको रिमूव कर दिया गया। तो 6 महीने के अंदर फिर नया उस डिसोल्यूशन के बाद, उसे डिसोल्यूशन बोलते हैं, उसके 6 महीने बाद नया सर, मतलब नया फिर से चुनाव होगा और फिर नया मुखिया आएगा, ठीक है। और उसके बाद फाइनेंशियल कमीशन की भी, फाइनेंस कमीशन की भी बात की गई देने की, जो कि आर्टिकल 243 I में बात की गई। तो बेसिकली एक फाइनेंस कमीशन होगी जो देखेगी कि गाँव में किस तरीके का फाइनेंस है, कहाँ कहाँ सुधार किया जा सकता है, अगले साल क्या किया जा सकता है, ये सब चीज़ें। उसके बाद उन लोगों को फंड भी प्रोवाइड, गांव में पंचायत को फंड भी प्रोवाइड करने की बात की गई, जिसके लिए, जिसको कहां से दिया जाए, जो स्टेट का फंड है वहां से पंचायत को फंड भी दिया जाएगा, ठीक है। अब हम 73rd अमेंडमेंट एक्ट में, 74th अमेंडमेंट एक्ट में क्या क्या है उसको डिटेल में देख लेते हैं, ठीक है। तो देखिए, ये 73rd 74th अमेंडमेंट एक्ट है, ये आपको MPA का जो प्लेलिस्ट है उसमें भी इस पर डिटेल पॉइंट टू पॉइंट आपको मिल जाएगा वीडियो, ठीक है। और उसका जो नोट्स है, लाइक उसका जो PPT है, वो आपको ग्रुप में भी मिल जाएगा, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं और यहाँ से भी आप समझ सकते हैं। दोनों जगह आपके लिए इक्वल बात है, ठीक है। तो 73rd अमेंडमेंट एक्ट में क्या हुआ,
जो कि गांव के लिए था, 73rd आए तो गांव के लिए पहले है और शहर के लिए बाद में है। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं कि 73rd में गांव के लिए था, 74th में शहर के लिए था, म्यूनसिपालिटीज के लिए था। तो और दोनों का सिस्टम ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है। तो 73rd एक्ट में 3 tier पंचायती राज सिस्टम गाँव पर होगा। तो 3 tier क्या होगा, पहले एक विलेज लेवल होगा गाँव, ठीक है, उसके बाद एक ब्लॉक लेवल होगा, इंटरमीडिएट तालुका जिसको बोलते हैं, और एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होगा, ठीक है। हाँ, हर स्टेट में, मतलब पहले एक गांव, फिर कुछ गांवों को मिला के ब्लॉक लेवल, और फिर कुछ ब्लॉक्स को मिला के एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, 3 level पे सरकार होगी, ठीक है, गवर्नमेंट होगी या लोग होंगे, ठीक है। कुछ जो स्मॉल स्टेट्स थे उनको कहा गया कि आप अगर आपकी मान लीजिए कि पॉपुलेशन 20 lakh से कम है तो आप इंटरमीडिएट लेवल पे यानी ब्लॉक लेवल पे कुछ भी ना रखें, सीधे विलेज और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हो, ठीक है। उसके बाद इसमें एक रोल ऑफ ग्राम सभा को बहुत ज़्यादा उभारा गया। तो ग्राम सभा क्या होता है, लोगों का असेंबली, ठीक है, जो लोग एकजुट होते हैं ना, गाँव के लोग, मतलब कोई भी पर्सन। अब ग्राम सभा क्यों, कि ग्राम सभा में हर कोई वो आ जाएगा जो 18 साल से ऊपर है, ठीक है, जो वोट देने वाला इंसान है वो ग्राम सभा का मेंबर होगा, ठीक है। इससे क्या होगा कि जो डेवलपमेंट की स्कीम है, गांव की जो भी नीड है, चाहे गांव का जो डेवलपमेंट है वहां के लोग खुद के हाथ से, खुद सब लोग मिलके करेंगे, कोई तीसरा पर्सन उनके ऊपर इम्पोज नहीं करेगा, जो भी डिसीजन लेना होगा सब लोग ले रहे होंगे गाँव का। तो ग्राम सभा इसीलिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। जो भी लोग 18 साल से ऊपर हैं, जो गांव में वोटिंग के उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, वो ग्राम सभा हो गए, ठीक है। एंड हर स्टेट में आपको ग्राम सभा, विलेज में ग्राम सभा आपको मिल जाएगी। उसके बाद इन ये लोग ग्राम सभा में, आप मान लीजिए कि ग्राम सभा का फंक्शन क्या होगा, तो ये लोग जो भी स्टेटमेंट है अकाउंट्स का कि कितना पैसा गांव में आया, कहां लगेगा, किस तरीके से गांव का जो ऑफिशियल्स कौन होंगे, गांव में कैसे काम चलेगा, उसके बाद कि कौन कौन, मान लीजिए कि एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम्स आती हैं, कि गरीबी से संबंधित जो प्रोग्राम्स आती हैं, तो इन प्रोग्राम्स में किसको किसको ये प्रोग्राम मिले से फ़ायदा होगा, या कौन इस प्रोग्राम को लेने के लायक है। उसके बाद एक स्टेट एक्ट्स ऑफ हरियाणा, पंजाब एंड तमिलनाडु है, वो अप्रूवल ऑफ बजट भी देता है ग्राम सभा को पावर। मतलब कहने का मतलब ये है, देखिए कुछ चीज़ें जो हैं हमने कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ पावर दे दी हैं ग्राम पंचायत को, चाहे नगर पालिका को, चाहे म्यूनसिपालिटीज़ को, लेकिन कुछ जो चीज़ें हैं हमने स्टेट के ऊपर छोड़ रखा है कि आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो उनमें से ये भी है, तो ग्राम सभा का जो पावर है इन 3 states में, हरियाणा में, पंजाब में, तमिलनाडु में, वो ये भी उनको देते हैं कि आप बजट को भी अप्रूवल करो। मान लीजिए कि आपको ब्लॉक या डिस्ट्रिक्ट लेवल से बजट आता है कि भाई आपके गाँव के लिए इतना पैसा दिया जा रहा है और ये प्रोग्राम है, तो आप उसको अप्रूव करोगे तभी जाके कोई काम होगा, ठीक है। और ग्राम सभा में एक इलेक्टेड प्रधान होगा, ठीक है। प्रधान आप सुने होंगे, प्रधान, मुखिया, बहुत सारे शब्द इसके लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, जिसका इलेक्शन होगा, ठीक है। तो प्रधान को चूज कौन करेगा, वही ग्राम सभा के 18 साल से ऊपर जो वोट दे सकते हैं, ठीक है। प्रधान को चूज किया जाएगा, इलेक्ट किया जाएगा वोट डाल के, ठीक है। उसके बाद ऑल्सो इलेक्ट अदर मेंबर्स ऑफ ग्राम पंचायत। अब ग्राम पंचायत के अदर मेंबर्स को भी, सेक्रेटरी हो गए वगैरह वगैरह, उनको भी आप चूज कर सकते हो। और हर स्टेट में इसके लिए अलग अलग मतलब सिस्टम है। सीट्स रिजर्व भी हैं ST/SC के लिए, उनका जितना भी पॉपुलेशन है। मान लीजिए कि किसी आप ए गाँव में रहते हो, ठीक है, बी गांव है, सी गांव है, तो एक रोस्टर सिस्टम होता है, उसके थ्रू आता रहेगा। मान लीजिए कि पहले ए गांव में आया कि यहाँ पे रिजर्व सीट आएगा, ठीक है, तो रिजर्व सीट आएगा तो सिर्फ यहाँ से ST या SC कैंडिडेट खड़ा हो सकता है, ठीक है। फिर अगली बार जब इलेक्शन होगा तो बी जगह पे आएगा, और अगली बार उससे होगा तो सी जगह पे आएगा, तो हर घूम घूम के रिजर्वेशन वाले सीट्स भी आते रहेंगे। और ऐसा ही वीमेन के केस में भी होगा। अब जैसे वीमेन का हमने कहा कि 1/3 seat उनका रिजर्व है, ठीक है, तो 1/3 जर्नल और ST/SC दोनों के लिए, ठीक है, तो दोनों का मिला के 1/3 seat रिजर्व है, ठीक है। अब ग्राम पंचायत का काम क्या 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 है, कि आप साफ पीने का पानी मतलब
गांव के लोगों को प्रोवाइड करें, जो वहाँ पे कुआं वगैरह है, पानी का कुछ भी है, डिस्पेंसरी है जहाँ पे दवाई वगैरह होती है, स्कूल्स वगैरह हैं, उनका मेंटेनेंस करें, ठीक है। अब जो है ग्राम पंचायत को डेवलपमेंट फंक्शंस भी दिए जाते हैं, जैसे कि मान लीजिए कोई इरीगेशन का स्कीम आया है, पानी वानी से संबंधित जो खेतों में डाली जाती है, या किस तरीके से छोटी मोटी इंडस्ट्रीज हैं उनको मेंटेन करना, किसी तरीके से गरीबी हटाने का प्रोग्राम आ रहा है, ये सब भी दिया जाता है, ठीक है। अब जो ब्लॉक लेवल है उसको डिफरेंट डिफरेंट हम नाम से जानते हैं देश में अलग अलग जगहों पे, जैसे कि गुजरात में हम उसको तालुक पंचायत कहते हैं, यूपी में, एमपी में उसको हम जनपद कहते हैं, इस तरीके से, ठीक है। अब यहाँ पे कौन कौन होता है, सरपंच और पंचायत, जितने मुखिया जो चूज किए जाएंगे ना, अब मान लीजिए कि 10 गांवों को मिला के एक ब्लॉक है, ठीक है, मान लीजिए कि 10 गांव है उनका एक ब्लॉक चूज किया गया है, तो ये 10 मुखिया होंगे 10 गांवों के, तो 10 मुखिया जो होंगे वो ब्लॉक लेवल के मतलब ब्लॉक लेवल पे जाएंगे। उसके बाद एमपी एमएलएस एमएलसीज, ठीक है, ये भी इसके मेंबर होंगे ब्लॉक लेवल पे, और फिर इलेक्टेड मेंबर जो होंगे जिला परिषद की, यानी ब्लॉक जैसे कि डिस्ट्रिक्ट लेवल से, वो भी होंगे, और जो भी मान लीजिए कि चेयरमैन होगा टाउन एरिया कमिटी एरिया का, वो भी इसका मेंबर होगा, ठीक है। अब ब्लॉक लेवल पे क्या क्या काम करना है, तो जैसे कि मान लीजिए जो सीड होते हैं, फर्टिलाइजर्स होते हैं, इनसे संबंधित जो भी काम है, मतलब बीज हो गया, किस तरीके से इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं फर्टिलाइजर के थ्रू खेती में, स्कूल्स, हॉस्पिटल, रोड्स, गरीबी के प्रोग्राम को देखना, ये सब इनका काम है, ठीक है। अब जिला परिषद, तो जिला परिषद सबसे बड़ा है, ठीक है, और इसका काम क्या है, जितनी भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं दो लेवल पे, ब्लॉक और, अब मान लीजिए कि विलेज 10 लोगों को, 10 विलेज को मिला के एक ब्लॉक हुआ, तो कुछ 10 ब्लॉक को भी मिला के एक डिस्ट्रिक्ट होगा, ठीक है। तो मान लीजिए कि सबसे बड़ी लेवल ये हो गया, तो ये जितनी भी एक्टिविटीज दो विलेज और ब्लॉक लेवल पे होंगी, उन सारी एक्टिविटीज को देखेंगे जिला परिषद में। उसके बाद यहाँ पे कौन कौन मेंबर होंगे, तो प्रधान होंगे फिर यहाँ पे अगेन, तो मान लीजिए कि 10 गांव से प्रधान आए हैं, तो 10 गांव, मान लीजिए 10 ब्लॉक से, 10 तो ज़्यादा ही हो गए, तो मतलब 100 लोग यहाँ पे हो गए, वैसे नंबर ज़्यादा बढ़ गया, तो ऐसा होगा। उसके बाद क्या बोलते हैं कि मतलब 100 सरपंच हो गए, और उसके बाद इसमें भी एमपी एमएलएस वगैरह होंगे, हर कोई एक रिप्रेजेंटेटिव होगा कोऑपरेटिव सोसाइटी से, डिस्ट्रिक्ट से, चेयरमैन म्यूनसिपैलिटी वगैरह का, ठीक है। और जिला परिषद का काम क्या है, बजट को अप्रूव करना जो पंचायत समिति देगी, मेंटेन करना किसको, इंस्टीट्यूशन है, इरिगेशन के स्कीम है, और जो भी प्रोग्राम वीकर सेक्शन के लिए आ रहे हैं। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया हो। अब हम 74th अमेंडमेंट एक्ट करते हैं। 74th अमेंडमेंट एक्ट है, ये भी 3 लेवल प्रोवाइड करता है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का, पर शहरों में। तो पहला लेवल होता है म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस, तो ये बड़े शहरों के लिए होते हैं, बहुत बड़े शहरों के लिए, जैसे कि दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, इलाहाबाद, लखनऊ, पटना। अब इससे छोटी सिटीज़ हैं या जो मतलब क्या कहते हैं कि टाउन्स मान लीजिए इसमें, तो उनके लिए होता है म्यूनिसिपल काउंसिल्स, और छोटे टाउन्स के लिए, एकदम छोटे टाउन्स के लिए जो गांव से शहर बनने की उसमें है, ट्रांजिशन फेज में है, उसके लिए होता है नगर पंचायत, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का एक जनरल काउंसिल होता है, ठीक है, और ये जनरल काउंसिल्स को हम इलेक्शन मतलब वोट देके, जो भी शहर के लोग होते हैं वोट देके वो चूज करते हैं, और मेंबर्स को हम काउंसलर्स कहते हैं। उसके बाद इसमें इलेक्टेड मेंबर जिन्हें हमने वोट देके चूज किया है, उसके अलावा मान लीजिए कि एमपी एमएलएस वगैरह भी इसके मेंबर होते हैं, ठीक है, और ये मेंबर लोग मिलके एक मेयर को इलेक्ट करते हैं, ठीक है। द मेयर इज इलेक्टेड बाय द मेंबर्स फ्रॉम द अमंग देमसेल्फ, मतलब ये जितने भी हम लोगों ने चूज किया काउंसलर्स, एमएलएस, ये सब मिलके एक पर्सन को मेयर बना देते हैं, ठीक है। कोई कोई स्टेट जो है वो डायरेक्ट इलेक्शन भी मेयर का करवाता है, ठीक है, जैसे कि मेयर को आप ही लोग चूज कर सकते हैं, ठीक है, उसको बोला जाता है फर्स्ट सिटीजन ऑफ सिटी, मेयर को।
अब मेयर क्या है, वो अपने म्यूनसिपल कमिश्नर से बात कर सकता है कि आप किसी भी रिपोर्ट, मतलब किसी भी मैटर पे वो रिपोर्ट उनसे मांग सकता है। और मेन इनका फंक्शन क्या है कि मेंटेनेंस करना हॉस्पिटल का, सेफ पानी, इलेक्ट्रिसिटी, स्कूल्स वगैरह देखना, बर्थ और डेथ का डिटेल्स रखना, ठीक है। और एक म्यूनसिपालिटी जो होती है, यानी जो शहरों में होती है, वो बहुत सारे काउंसलर्स जिनको इलेक्ट किया जाता है लोकल लोगों द्वारा, जैसे हम आप जैसे लोग जो शहरों में रहते हैं। और यहाँ पे भी जो सीट है वो ST SC के लिए रिजर्व है, उनके प्रपोर्शन के हिसाब से, और औरतों के लिए भी रिजर्व है, ठीक है। अगर इनका कंपलसरी हम फंक्शंस देखें तो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करवाना, पानी, हेल्थ फैसिलिटी, स्कूल, रोड का ध्यान रखना, रिकॉर्ड रखना कि कौन वीकर सेक्शन है समाज का, उसके बाद यही सब, ठीक है। रिजर्वेशन वगैरह मिलता है, बाकी डेथ बर्थ ये सब कंट्रोल करना, तो ज़्यादा कुछ नहीं है। आपको थोड़ा इससे भी ज़्यादा डिटेल में पढ़ना हो तो आप MPA का प्लेलिस्ट जरूर देख सकते हैं। अब लिमिटेशन क्या है, ठीक है, सबसे बड़ी लिमिटेशन, सबसे बड़ी कमी क्या है कि हमने डिफाइन ही नहीं किया है कि जो लोकल गवर्नमेंट है उसका क्या काम है और अधिकारियों का, ऑफिसर्स जो हैं उनका क्या काम है। इस वजह से कई बार दोनों के बीच में खींचातानी रहता है, क्योंकि समझ ही नहीं आता कि ये ग्राम प्रधान का काम है या ग्राम पंचायत का या ब्लॉक या डिस्ट्रिक्ट लेवल का काम है या जो ऑफिसर्स जो नौकरशाह हैं उनका काम है, ठीक है। उसके बाद अमेंडमेंट होने के बाद भी, जब 73rd 74th अमेंडमेंट एक्ट आ भी गया, तो जो ये पूरा सिस्टम है ना ग्राम सभा वगैरह का, काफ़ी ज़्यादा जो ब्यूरोक्रेट्स जो नौकरशाह हैं उनके कंट्रोल में है, ठीक है। उसके बाद एक और जो सबसे बड़ी दिक्कत है कि कई बार ऐसा हुआ है कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ तो दे दी गई हैं पर, मतलब लोकल गवर्नमेंट को, पर उनके पास ना ही जो PRIs है, जो लोकल गवर्नमेंट है, ना उनके पास कोई अपना स्टाफ है जिससे काम। अब मान लीजिए कि प्रधान के पास काम है कि भाई आप स्कूल देख रहे हैं, आप शिक्षा देख रहे हैं, आप क्या बोलते हैं कि आसपास के डिस्पेंसरी, पर उनके पास वहाँ पे हर जगह भेजने के लिए लोग भी तो होने चाहिए, इतना पैसा भी तो होना चाहिए कि वो काम कर सकें। और कई बार ये है कि डिसोल्यूशन, यानी जो प्रधान है या किसी भी लेवल पर किसी को हटाने का जो पावर है वो कई बार स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में है, जिससे कई बार दुरुपयोग होता है। उसके बाद MP MLAs को जो हमने मेम्बर बना दिया है ब्लॉक लेवल पे भी और कई जगह डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी, और कई जगह उनको वोटिंग का भी अधिकार दे दिया गया कोई अगर हम डिसीजन ले रहे हैं तो, इससे क्या होता है ना कि एक और पावरफुल इंसान आ जाता है और वो कंट्रोल करता है, ठीक है। कि मान लीजिए कि हमने कहा कि इसको हम लोकल गवर्नमेंट का सिस्टम बना रहे हैं जिसमें लोकल लोग पार्टिसिपेट करें, जिसमें लोकल लोग की इच्छा हो, लेकिन अगर हम MP MLA जितने बड़े इंसानों को इन्वॉल्व करते हैं तो वो तो कंट्रोल करेंगे ना, क्योंकि वो सबसे पावरफुल है वहां पे, ठीक है। उसके बाद रेवेन्यू की समस्या बहुत ज़्यादा है, और जो अर्बन लोकल गवर्नमेंट है वहाँ पे सबसे बड़ी समस्या है ओवरफ्लो ऑफ पॉपुलेशन, यानी बहुत ज़्यादा जनता जो है गांवों से शहरों की तरफ माइग्रेशन करती है, जिसको शहरों में संभाल पाना बहुत मुश्किल है। सो थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे। इस चैप्टर में इतना ही था, और आपको कौन कौन से चैप्टर जो समझ में ना आ रहे हो कॉमेंट सेक्शन में लिख के बताइए इस बुक से, तो हम जल्दी जल्दी वो चैप्टर्स करवा देंगे।